अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कैप्रिकॉर्न वीकली हॉरोस्कोप 21st to 27th November, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉर्न्स, ये हफ्ता आपके लिए बड़ी अहम तब्दीलियों का हफ्ता है। दो बड़ी तब्दीलियाँ, एक तो सन आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद है और 8वें घर का हाकिम है, ये आपके जायचे के 12वें घर में आ रहा है। कुछ मिली जुली कैफियात इससे आपको जो है मिलेंगी। दूसरा, मरकरी जो कि आपके जायचे के 6वें और 9वें घर का हाकिम है, ये भी आपके जायचे के 12th पार्ट में आ जाएगा। कैप्रिकॉर्न, जेन में रखिएगा, हमेशा हालात एक जैसे नहीं होते और हर चीज का जहां पे कुछ प्लस होता है वहीं पे कुछ उसका माइनस भी होता है। और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो एक एक चीज का माइनस है वहीं पर उसका प्लस भी आपको मिल जाता है। सबसे पहली बात तो जो होगी वो ये होगी कि सन आपके जायचे के जब 12वें घर में आएगा तो ये आपको कुछ हेल्थ इश्यूज जो है ना वो बनाता हुआ नजर आता है, और 8वें घर में अगर ये 12वें मुंतकिल होता है तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो अपनी सेहत के ऊपर खर्च करना पड़ जाता है। कुछ इजाफी खर्चात अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपको देने पड़ते हैं। इसका बेहतरीन जो हल होगा वो होगा सदका। आप मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 किलो कीजिए, लेकिन अगर आप फूड ना करते हो तो 1 kg गंदम या दाल चने का सदका किसी डिजर्विंग पर्सन को देना अपना मामूल बनाइए, अनटिल के सन यहां से निकल ना जाए। इसके अलावा सन चुके आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है, सौरास्ती मामला में कुछ परेशानियों का सामना कर लेके आएगा। 12वें घर में जब सन आता है तो वो ऐसे ट्रेवल करवा देता है सो फार जिसका कि बहुत ज्यादा बेनिफिट इंसान को मिल नहीं पाता। ज़हनी दबाव में रहता है इंसान और ये चीजें प्रॉब्लम होती है। चूंकि सन आपके वालिद से भी रिलेट करता है तो वालिद के साथ कुछ आपके महाज आराई वाला सीन जो है वो बन सकता है। इसके ऊपर आपको स्पेशली जो है वो फोकस करने की जरूरत होगी। लेकिन इसका जो दूसरी तरफ फायदा होगा वही होगा कि सन चूंकि ऐसी जगह पर आएगा तो आपके जो हिडन एनिमीज हैं वो गैर फाल हो जाएंगे, वो उनकी एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कारामद नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर आप इस ड्यूरेशन में किसी भी कानून की गैर शिकनी ना करें तो ये बेहतर होगा। अगर आप कानून की शिकनी करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये वक्त जो है वो आपको जो आपने पहले स्टेप्स लिए थे अपने कारोबार के मामले में, अपनी प्रोग्रेशन के लिए, उसके लिए आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आपको कोई जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मामलात हैं, तो आपको एक अच्छा टीम वर्क भी जो है वो मिल सकेगा। चूंकि 10th का लॉर्ड आपके 1st हाउस में ये बेनिफिट आपको जरूर दिलवाएगा। दूसरों से वाबस्ता आपके मादी मफादात आपकी परेशानी का बायस हो सकते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से आपका स्टमक भी डिस्टर्ब होगा और कुछ आई ट्रबल्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों से छुटकारे के लिए आपको थोड़ा सा तहमुल का मुजाहरा करना है और सदका आपको प्रॉपरली जो है वो देना है। मरकरी, मरकरी आपके जैसे मैंने कहा 6वें और 9वें घर का आगे में, ये 12वें घर में जाएगा तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करवा सकता है। कम्युनिकेशन बेहतर होंगी और स्पेशली वो लोग जो कि अपनी जॉब के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन होगा। आपकी जो एजुकेशन के मामला हैं उसके लिए अगर आप वीजा वगैरह अप्लाई करके बिरूनी मुल्क जाकर डेफिनेटली 3-3, 4-4 साल के लिए वहां पे मुकीम होना पड़ता है तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपकी तवज्जो जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, नॉलेज गेन करेंगे और डेफिनेटली ये चीज आपके पीस ऑफ माइंड के लिए एक बहुत ही अहम रोल जो है वो अदा करेगी। इसके साथ यहां से इसकी जो नजर बनेगी आपके दूसरे खालामाल के ऊपर तो आपके जहन में जो है वो आइडियाज आएंगे कि आप अपनी माली पोजीशन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स को बेहतर करेंगे। 12th पार्ट आपका जो है इस हवाले से स्ट्रांग होगा, चूंकि 6 का भी आके मतलब वहां पर जाएगा। आपके जो जारी मुखालिफ हैं जहन में रखिएगा, ये भी अब आपके हिडन एनिमीज की तरफ जाएंगे, खुफिया दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा कि खुफिया दुश्मन अब आपके उतने कामयाब जो है वो नहीं होंगे।
आपके लिए बेस्ट स्टोन जो है वो नीलम है, ब्लू सफायर अपने हाथ में पहनी, ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके अलावा आप जो है हेमेटाइट भी वेयर कर सकते हैं, ब्लैक अगेट वेयर कर सकते हैं, और बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके दसवें घर का हाकिम और आपके पांचवें घर का हाकिम आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है, आपको बहुत ही ज्यादा सूझबूझ दे रहा है, आपके नॉलेज गेन करने की तरफ आप जाएंगे और कैरियर रोजगार में आप नेम फेम हासिल करेंगे। आपकी अगर कोई प्रमोशन ड्यू थी तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप एक से जायद कामों में जो है वो इन्वॉल्वमेंट आपकी नजर आती है। उसके अलावा जो आपकी जो हमारी बहनें बेटियां हैं जो मैरिड हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आपके लिए बड़ा जबरदस्त है कि ये आपकी बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर करेगा, औलाद के हसूल में बेहतरी लेके आएगा, मदर इन लॉ के साथ ससुराल फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करेगा। लेकिन जो आपके सिबलिंग्स हैं स्पेशली आपके ससुराली सिबलिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जानिब से कुछ हिडन तौर पर जो है वो कुछ मामला को खराब करने की भी कोशिश की जाएगी, मगर कामयाबी उनको भी नहीं मिलती नजर आती। कैप्रिकॉर्न्स कि फर्स्ट हाउस में वीनस है, वीनस का फर्स्ट हाउस में आना प्यार मोहब्बत रोमांस की तरफ आपकी जो है मोटिवेशन है, और चूंकि ये पांचवें घर का भी हाकिम है सो आपकी मंगनी तय पाने की इम्कान बहुत रोशन है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो कि लाइफ चेंजर आपके लिए जो है वो साबित हो सकता है। इट इज वेरी पॉसिबल, ये आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इसके अलावा अकलट साइंसिस की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, फनून लतीफा आर्ट गैलरी या खवातीन बच्चों से रिलेटेड कोई मामलात हैं, क्रिएशन के मामलात हैं, तो वो आप बड़ी ही अच्छे तरीके से जो है तय कर सकेंगे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि ये वक्त इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपके पास आ रहा है। चौथे घर का हाकिम आपके ग्यारहवें घर में है, सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में अब आपको बहुत आसानी मिलेगी, और इस हवाले से आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं या अपने छोटे भाइयों की मदद ले सकते हैं, ये आपके साथ भरपूर तआवुन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह आपके ये मामला भी बहुत अच्छी साइड पर जो है वो चले जाएंगे। इंसान के पास अगर सॉफ्ट स्पोकन हो और उसको तदबीर आती हो कि किस तरह मामला बिगड़ों को संवारना है तो वो अपने उलझे से उलझे काम भी जो है वो बेहतर कर लेता है। यही पोजीशन आपके रिलेशनशिप की बनेगी, और मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि आपने क्या लास्ट वीक जो है होने वाले ग्रहण का सदका दिया था, नमाज पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो पहली फुर्सत में कीजिए, चूंकि ये आपके सातवें घर का लॉर्ड है, मंगनी शादी दोनों को डिस्टर्ब कर सकता था, तो इसको ऊपर फोकस कीजिएगा। अलबत्ता अगर आपने ये डेली भी है तो फिर ये यकीन कर लें कि आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कानात बहुत ही ज्यादा रोशन है। ये मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये जनरल है, इंडिविजुअल के लिए बेहतर होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से अपना चार्ट बनवाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको कि आप सॉल्ट आउट करना चाहते हैं या आपको देखते हैं कि हमारी वीडियोस में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो फिर बेहतर होगा कि आप अपना चार्ट बनवाइए। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी चंद लम्हे पहले इसी वीडियो से पहले मैं एक फेसबुक पर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वैस काजमी ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने उनको उन्होंने शर्फ कमर की जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि शर्फ आता है चंद घंटों का और साठ सती कभी तो 7.5 साल और कभी 10 साल भी जान नहीं छोड़ती, तो मैंने उनको भी कहा कि अच्छा सोचिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुनियादी तौर पे जब आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको वो एफर्ट वो सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाती। प्लैनेट्स सबसे पहले जो एनर्जी पावर मिलती है वो जो नेगेटिविटी होती है जो वीकनेस होती है उसको पूरा करते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह एक बंदे को अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी कैप्रिकॉर्न का वीनस जो है वो अच्छा नहीं है तो इस वक्त भी उसकी शादी के इम्कान कम हो जाते हैं। सो अगर आप ओवर एज हो रहे हैं कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले ये कैरियर के हिसाब से आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाइए, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें और फिर कहें जी बस हमें नहीं ख्याल आया, देखते रहे सुनते रहे लेकिन कभी इस तरफ आए नहीं, तो ये आपकी अपनी गलती होती है, इसको आप खुद बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी, आपको पता चलेगा प्लैनेट्स की वॉइस क्या है जिसको मैं सदाए कवाकिब कहता हूँ, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना जो है वो बेहतर प्लान कर सकेंगे। इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।